दानिश चल ना बेटा चल। नहीं दानिश, दानिश मेरे बच्चे मेरे लाल चल लेना। देख अभी तो दिन चढ़ा है, बात दबाई जा सकती है। मेरा लाल चल ले। हरगिज़ नहीं। हाँ। क्यों? उस पर भी मट्टी डाले जो घर छोड़कर चली गई। दानिश देख बात सुन बेटा, वो हम दोनों औरतें बेचारी गरीब वहां जाके क्या बात करेंगी उन लोगों से। कोई मर्द साथ हो तो बेहतर रहता है ना, बात कर सकता है। हैं चलना चलना बेटा। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा वहां जाने की तुक क्या है। वो घर छोड़कर चली गई है, निकाह उसने कर लिया है, पीछे रह क्या गया। देख अगर हम उसे यहाँ घर पर ले आएंगे ना तो किसी को बात पता नहीं चलेगी, हम बदनामी से बच जाएंगे। घर से भागी हुई लड़की का लेबल तो नहीं लगेगा ना, इज्जत से रुखसती हो जाएगी उसकी। बस इज्जत बचा ले बेटा। चलना दानिश। ठीक है पहली और आखिरी बार जा रहा हूं वहां, इसके बाद मुझे कोई मजबूर ना करे। चल 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 ठीक है ठीक है। देख देखा बेटे मेरे लाल एक बार दिमाग में रखना है। देख हमजा ना इसका का दामाद है। हाँ। तेरा बहन वही है? वहाँ पर अपना दिमाग और अपना हाथ दोनों ठंडा रखना, काबू में रखना है ना। वापस जाना है, उसको घर पहुंचाना है। चलो चल 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 आगे चल। तुम यहाँ कितने सुकून से बैठे हो और मुझे कितनी टेंशन हो रही है पता है तुम्हें। और तुमने तो कहा था कि यहाँ आंटी और अंकल सब लोग राजी हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कुछ गलत कर दिया है। Excuse me? हमने नहीं तुमने। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तुम क्या कह रहे हो? Just kidding यार। तुम्हें मेरा साथ चाहिए था वो मिल गया, किस बात की टेंशन आप तुम्हें? टेंशन ही तो टेंशन है। यहाँ पे आंटी और अंकल का मुंह बना हुआ है और पता नहीं घर में क्या कोहराम मचा होगा। वो तो होना ही था, ऐसे कामों में तो ऐसा ही होता है। तुम्हें मालूम नहीं था क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने कहा था कि तुम सब कुछ संभालोगे। अच्छा काम करो, कुछ नहीं करी तो जाओ मेरे लिए कॉफी बना लो। नहीं जाऊंगी बाहर। बाहर आंटी और अंकल हैं और मुझे बहुत अजीब लग रहा है जाना। Are you serious? तुम आंटी से घबरा गई हो? अभी तो पता नहीं इस घर में आकर कौन कौन तुम्हें क्या कहेगा। हमजा तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ और मेरी समझ नहीं आ रहा है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है हमने क्या किया है। अच्छा प्लीज यार मुझे तंग ना करो। आई नीड टू रेस्ट नाउ। तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। कभी तुमने मेरी धड़कनों की बेकरारी नहीं सुनी। मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए बेकरार है हमजा। तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। Stop it, Sana। मैंने तुम्हारे लिए कभी इस तरह नहीं सोचा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम और दानिश मेरे लिए फैमिली की तरह हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन प्यार, वो दिल का फैसला होता है, और मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कता। दर्द तेरा हम दिल में छुपा के कैसे जिएंगे बता, हाँ कैसे जिएंगे बता। उस निहाल भाई, भाभी, हमने तो हो गई थी ना दोनों की, रुखसती भी हो जाती। ऐसे पूरे जहान में हम पे तू तू करवाने की क्या जरूरत थी? मुझे बताए क्यों भगाई हमजा ने हमारी लड़कियां से? अपनी लड़की को ये बात समझानी थी ना, उसको क्या जरूरत थी एक घटिया हरकत करने की। मुझे तो लगता है कि ये घटियापन में ना पूरे खानदान ने मास्टर्स किया हुआ है।